ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सुहित मित्रारि उदासीना, मध्यस्थ द्वेषय बंधुषु, साधुषु अपि च पापेषु, समबुद्धेर विशिष्यते। कोई रिपीट करेगा? किसके पास बुक? बोलो। सुहृन् मित्रय उदासीना, सुहृन् मित्रय गलत बोल रहे हो आप, पढ़ो देखो। सुहृन् मित्रय उदासीना गलत है, गलत पढ़ रहे हो, देखो आप सही से देखो ना, गलत पढ़ रहे हो। नहीं वो देख नहीं पा रहे सही से उसको। सुहित मित्रारी देखो उसको, वही तो। सुहृन् मित्रार्य, यह के ऊपर र की मात्रा है। हाँ, सुहित मित्रार्य उदासीना, सुहृन् सुहृन् न सुहृन् मित्रारि उदासीना, सुहृन् मित्रारि उदासीना, मध्यस्थ द्वेषेव बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु, साधुष्वपि च पापेषु, सम्बुद्धिर्विशिष्यते, सम्बुद्धिर्विशिष्यते। कोई और पढ़ेगा? पढ़ लो, रिपीट कर लो। अच्छा, किसी के पास है नहीं क्या? ले लो ना उनसे। सुहृन् मित्रार्य उदासीना, सुहृन् मित्रार्य उदासीना, मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु, साधुषु अपि च पापेषु, साधुषु अपि पापेषु, समबुद्धिर्विशिष्यते, समबुद्धिर्विशिष्यते, साधुष्व अपि पापेषु। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे ना ब्रेक करके तो सही नहीं आया है। क्या है? सुहृन् मित्वै उदासीना। मित्वै कहाँ है, क्या है? मित्वै इसको तो दिखाई भी नहीं दे रहा। सुहृन् मित्रार्य, सुहृन् मित्रार्य उदासीना, मध्यस्थ देवस्य बन्धुषु, देवस्य कहाँ है सुनील? आंखें क्या हो गया, चश्मा चाहिए क्या? आंखें खराब हो रही है इसकी? ऐसी मतलब ये तो क्लियर है, मतलब ये तो आराम से पढ़ो। हाँ, मध्यस्थ द्वेषय बन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धिर्विशिष्यते, गलत है, सम नहीं है, समबुद्धिर्विशिष्यते। तभी मैं कह रहा था पढ़ने को, मुझे पता लगेगा ना कौन गलत पढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। अनुत्तम पढ़ना। सुहृन् मित्रार्य उदासीना, सुहृन् मित्रार्य उदासीना, देवस्य मध्यस्य, देख क्यों नहीं रहे? मध्यस्य द्वेषय, देवस्य बन्धुषु, मध्यस्थ द्वेषय बन्धुषु, साधुषु अपि च पापेषु, समबुद्धिर्विशिष्यते, समबुद्धिर्विशिष्यते। ये लंबा वर्ड है ना, शायद इसलिए ही कंफ्यूजन हो रही है सबको। एनीवे I'll just tell you कैसे है। ओके, सो श्रील प्रभुपाद ने इस पे कोई पर्पट नहीं दिया है।
इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था। एक कारण ये भी है और दूसरा कारण ये भी है कि बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। एटलीस्ट मतलब श्लोक को गलत समझने की बजाय से ही पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का चौपट हो चुका है। अमेरिका और यूरोप और जितने इंडिया में भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, घर सब कुछ खराब हो चुकी है चीज़ें, और वो कैसे हुई मैं बताऊंगा अभी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना। ओके, भगवान क्या कह रहे हैं, सिंपल है। सुहिर्ण मतलब होता है, मतलब हिंदी में पता नहीं कैसे लिखा है, बट नहीं सुहृत, सुहृत मतलब है कि जो आपके वेल विशर्स हैं, मित्र, उदासीन लोग, द्वेषी व्यक्ति, बंधु, शत्रु, साधु, पापी, एक भक्त उनको समान दृष्टि से देखता है। क्लियर है? चाहे दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यवान हो, चाहे मित्र हो, चाहे द्वेषी हो, सबको समान दृष्टि से देखता है। अब इसका मतलब क्या है? दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो वेल, सबसे पहले तो हम समझेंगे इन शब्दों का मतलब क्या होता है, भगवान कह क्या रहे हैं, इसको डिफाइन करना जरूरी है। ओके, सुहृत कौन है? सुहृत मैं डेफिनेशन भी दे सकता हूं, तभी मैंने लिखा है, देखा था यहां पर। एनीवे यहां पे तो चलो दे नहीं रहे। सुहृत वो है जो कि ये रहा, सुहृत वो है जो कि दूसरों की हमेशा मदद करता है। कैसे मदद करता है? अपना कर्तव्य समझ के। वो सुहृत है जो सबकी मदद करेगा, मतलब वो ही नहीं देखता कि कौन है, चाहे बड़ा है या छोटा है, कुछ भी है, कोई भी है, वो सबकी मदद करेगा। क्यों करेगा मदद? आप कहोगे क्यों मदद क्यों कर रहा है, नहीं वो पागल हो चुका है। वेल, वो अपना कर्तव्य समझता है दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, क्योंकि धर्म का, भगवान का आदेश है कि सबकी मदद करो, है नहीं, हेल्प करो जन्म मृत्यु से निकलने के लिए। वो सुहृत है। सो तभी गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान भगवान के लिए कह रहे हैं ना। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान को सुहृदम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मित्रम सर्वभूतानाम, सुहृदम। तो सुहृदम, हृदम, हृदम समझते हो ना, हृदय मतलब जिसका हृदय पिघलता है, सुहृदम मतलब सबके लिए पिघल रहा है, सबकी वो हेल्प करना चाहता है, वो सुहृदम हो गया। वेल विशर ऑफ ऑल, ऐसा ही है ना, एवर वेल विशर। सो ओके, जो मित्र होता है, मित्र क्या करता है? और एक और बात है एक्चुअली लिखने, प्रति उपकार निरपेक्ष उपकार कृत सुहृत। तो ये डेफिनेशन कहाँ लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी है कि सुहृत के बारे में एक और बता रहे हैं, वो सबकी मदद करेगा बिना किसी अपेक्षा के। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो लोग मदद करें, वो उसको सुहृत कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है सुहृत की। तो भगवान सबकी मदद करते हैं, ये थोड़ा ना अपेक्षा करते हैं कि वो उनकी मदद करें या उनकी पूजा करें बिना उसके। वो ये भी अपेक्षा नहीं करेगा कि उसको आदर दे, वो करता है बस, उसको सुहृत कहते हैं। और मित्र क्या होता है? ये तो सुहृत हो गया। मित्र होता है, मित्र की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। मित्र की ये डेफिनेशन विदुर नीति में भी दी है और गरुड़ पुराण में भी दी है, आप लिख सकते हो। क्लेश स्थानम निरूप्य यो रक्षाम करोति तन मित्रम। सिंपल है, क्लेश स्थानम निरूप्य, मित्र एक्चुअली देखेगा कि, हरे कृष्ण, मित्र देखेगा कि
कि क्लेश स्थान क्या है। मित्र देखेगा कहां प्रॉब्लम है उसके फ्रेंड को, प्रॉब्लम कहां है, और वो प्रॉब्लम देखकर यो रक्षाम करोती, और फिर उसकी रक्षा करता है प्रॉब्लम से, उसको मित्र कहते हैं। सो मित्र जो होता है ना, मित्र क्या होता है, मित्र सबकी हेल्प नहीं करता। सुहिर तो सबकी हेल्प कर रहा है नहीं, और एक जनरल हेल्प कर रहा है। मैं कहा मित्र सिर्फ अपने फ्रेंड की हेल्प करता है जो जिसका संबंध है उससे। मित्र जैसे सुग्रीव और राम है नहीं, सुग्रीव और राम का संबंध हो गया ना, मित्र बन गए ना। तो राम ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे दुख सुख में काम आऊंगा, तुम मेरे दुख सुख में आओगे काम। तो ये मित्र है जो दुख और सुख में काम आता है। सो मित्र एक स्टेप आगे, मित्र क्या करता है, वो हमेशा अपने फ्रेंड के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहता है। क्लेश थाना में रुपये, और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा वो ये सोचता है और उसकी हेल्प करता है। बिना मतलब उस मित्र को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम है ये, वो खुद से ही सोचेगा उसके बारे में, उसको मित्र कहते हैं। इसीलिए समझे नहीं समझे, समझे? तो सुहृत और मित्र में क्या अंतर हुआ? हाँ, सुहृत और मित्र में एक अंतर तो ये हुआ कि सुहृत तो सबके लिए सोच रहा है, सबकी हेल्प करना चाहता है इन जनरल। मैं कहा मित्र केवल उससे हेल्प करना आता है जो उससे संबंध है, उसकी हेल्प करता है जो संबंध है, और स्पेसिफिकली वो हमेशा सोचता रहता है कि प्रॉब्लम क्या है उसको अपने आप से, और खुद से अपने मित्र को बोलेगा कि तुम्हें प्रॉब्लम है, कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुमने मुझे बोला नहीं, फिर भी मैं देख रहा हूं तुम्हें प्रॉब्लम है, और इसको मैं तुम्हारा ये तो मेरा सॉल्यूशन है, मेरी मदद तुम्हारे लिए है। समझ गए नहीं समझ गए? वो मित्र होता है। सो ये डिफरेंस है मित्र और सुहृत में, अंतर है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? यस या नहीं, क्या हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं? सो ओके, भगवान सुहृत भी है, सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान मित्र भी हैं। भागवत में कह रहे हैं ना, कृष्णा कह ही रहे हैं कि मैं सबका मित्र भी हूं। कहां कह रहे हैं गीता में? तो मेरे मित्र और भक्त हो, है नी? आनीरा भक्तो असी में सखा चेती, मित्र है नी? क्या है? हरे कृष्णा चलो ठीक है, तो मित्र आ रहा है भगवद गीता में, मित्र आ रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, स्पेशली अर्जुन को बोलना कि तुम्हारा मित्र हूं इसलिए मैं तुम्हें और बता रहा हूं, है नी? तो ये मित्र हुआ ना। वैसे तो भगवान सुहृत हैं, भगवान ने सबके लिए गीता बोली, मगर अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन मैं तुम्हारा, तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें स्पेसिफिकली और बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी तुम्हारी कंफ्यूजन सॉल्व नहीं हुई। तो मित्र और सुहृत में अंतर होता है, और भगवान तो दोनों ही हैं, सुहृत और मित्र। सुहृत तो सबके लिए है, मित्र जिनका उनसे संबंध है, अपने भक्तों के लिए। और मित्र की वो रक्षा करेगा, दैट्स ओके। श्रीमद् भागवतम में भी आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। श्रीमद् भागवतम कह रही है कि एक भक्त को ईश्वर तद अधीनेषु बालेषु दुसेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। सो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि एक डिवोटी कौन है। एक डिवोटी है जो ईश्वर से प्रेम करता है और अपने अन्य वैष्णवों से क्या करता है, मित्रता, प्रेम मैत्री, जो उसके इक्वल है, जो मतलब थोड़े बहुत साथ में अन्य वैष्णव से मित्रता करता है, और जो वैष्णव नहीं है, जो सीधे साधे लोग हैं, उन पर कृपा करता है, और जो द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा कर देता है। तो वहां पे मित्र शब्द यूज आ रहा है, वहां पे ये सब नहीं आ रहा है सुहृत। Now you have to be careful। भागवत कह रहे मित्र है, मित्र का मतलब है
कि वो स्पेसिफिकली दूसरे वैष्णवों की प्रॉब्लम सोचेगा। हमें प्रॉब्लम सोचनी चाहिए कि दूसरे वैष्णव क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें और सिर्फ उनके एक जनरल उनके बारे में सोचना अलग होता है और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना अलग होता है। जैसे किंग है, या किंग समझ लो, या किंग ही समझ लो कि एनीवे किंग तो चलो प्रजा की प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोच रहा है। जैसे कंपनी में एक बॉस एम्प्लॉयज के बारे में सोचता है, उनको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, दैट्स इट, एक जनरल सेंस में सोचता है। मगर अपनी फैमिली के बारे में प्रॉपरली सोचता है नहीं बॉस, कि क्या हम वाइफ से बच्चों से पूछते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेरेंट्स हमेशा पूछते रहते हैं बच्चों से, है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यही पूछते हैं। सो जितना ज्यादा संबंध होता है उतनी ज्यादा व्यक्ति दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगता है। दैट्स हाउ इट गोज। सो उसको कहते हैं मित्र भगवान। तो हमें अन्य वैष्णवों से मित्रता करनी चाहिए, सिर्फ सेवा नहीं होती अन्य वैष्णवों की। भागवतम कह रहे हैं उनसे मित्रता करो। सेवा में तो चलो आपने थोड़ा बहुत कर दिया, हो गया, मगर मित्रता एक स्टेप आगे है। मित्रता अपने हम डिवोटीज के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं और उनको हम सॉल्यूशन, उनकी हम हेल्प करते हैं उसमें। इफ यू वांट टू सिट देयर यू कैन सिट हियर फेसिंग, तो फिर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके तो सुहृत और मित्र, और तीसरी चीज है उदासीन। उदासीन कौन है? उदासीन है जो, उदासीन वो व्यक्ति है, अगर आप उनकी, अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी हेल्प नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब उदासीन जो है हमेशा वो रहता है, या तो उपकार और अपकार में, मतलब आप उसकी हेल्प करो तब भी वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप उसकी हेल्प करो, वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप उसका अपमान करो तब भी कुछ नहीं करेगा। इट्स अ लेजी फेलो, समझ रहे हो? उदासीन, ये जो इस कॉन्टेक्स्ट में उदासीन का मतलब आ रहा है, लेजी फेलो, उदासीन। और फिर चौथा है मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब होता है जो बीच का होता है, जो बीच में। मध्यस्थ वो व्यक्ति है जो कि जो कि बीच में है, मतलब ना रेली, मतलब मित्र तो है, मित्र वो है कि वो बिना पूछे हेल्प करेगा। उदासीन है वो कुछ करेगा ही नहीं। मध्यस्थ वो व्यक्ति है जो कि आप उसके लिए करोगे तो आपके लिए करेगा, आप नहीं करोगे तो वो नहीं करेगा। वो मध्यस्थ है, बीच में है, मतलब वो वैसा व्यक्ति है। तो जनरली लोग ऐसे ही होते हैं सोसाइटी में, लोग मध्यस्थ ही होते हैं सोसाइटी में। तो लोग सुहृद तो होते नहीं, दूसरों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, मित्र तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उदासीन भी नहीं होते कि उनके लिए कुछ करो तो वो ना करे। मध्यस्थ 99% पॉपुलेशन मध्यस्थ ही है। आप करोगे तो वो करेंगे, आप नहीं करोगे तो वो भी बैठे रहते हैं। जैसे दिवाली गिफ्ट होता है, मिठाई दोगे तो आपके यहाँ मिठाई आ जाएगी, मिठाई नहीं दोगे तो आपके यहाँ मिठाई नहीं आएगी, ऐसे ही चलता रहता है। वो मध्यस्थ होते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन गरुड़ पुराण की है। और फिर उसके बाद है द्वेषी। द्वेषी व्यक्ति कौन है? द्वेषी व्यक्ति वो है जो हमेशा दूसरों को हार्म करता रहता है, पर पीड़ा देता रहता है, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने विचारों से। वो द्वेषी व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों को पर पीड़ा दे। पर पीड़ा समझते हो ना आप? वो दूसरों को पर पड़ी ना, दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को क्लेश देता है, वो द्वेषी है। बाकी तो बंधु कौन है? रिलेटिव, संबंधी। और साधुषु, साधु साधु है। और पापेशु, पापेशु कौन है? पापी। पापी वो है जो अपना हार्म करता है, पाप करके जो गंदे गंदे काम करता है उसकी हानि होती है। द्वेषी वो है जो दूसरों की हानि करता है। तो अभी क्वेश्चन मुझे बताओ, द्वेषी पापी है या नहीं? और पापी द्वेषी है या नहीं? जरूरी नहीं है पापी द्वेषी, पापी जरूरी नहीं है द्वेषी हो। भाई वो शराब पी रहा है तो द्वेषी कहाँ है? मैं शराब पी रहा हूं तुम्हें क्या मतलब है, मेरी मर्जी। वह एक्चुअली वो अपना हार्म कर रहा है, पापी अपनी हानि करता है पाप करके।
अद्वेषी अपनी भी करता है और दूसरों की भी करता है, ज्यादा दूसरों की करने में लगा पड़ा रहता है। एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ, वो अब आप अंदर जाओगे तो आप तो कहो फिर साधु में भी द्वेष होगा। जनरल सेंस है। ओके, अब भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर कि चाहे सुहृत हो, चाहे मित्र हो, चाहे उदासीन हो, चाहे मध्यस्थ हो, चाहे द्वेषी हो, चाहे बंधु हो, चाहे साधु हो, चाहे पापी हो, साधुषु च अपि च पापेषु समबुद्धिर् विशिष्यते, सबको वो समान दृष्टि से देखता है। अब यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि समान दृष्टि से देखने का मतलब क्या है। नाउ दैट्स द होल इशू देयर। और इस चीज को नहीं समझने की वजह से पूरे अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बंडाधार हो गया है। बहुत गंदे कॉन्सेप्ट आ गए। अब समान दृष्टि से देख रहा है उसका मतलब क्या, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है समान दृष्टि से देखने का? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? क्या कह रहे हो? ओके, एक सेंस ये है समान दृष्टि से देखने का। समान दृष्टि से देखने का मतलब है, आध्यात्मिक स्तर पर समान दृष्टि से देखने का मतलब है कि वो हर एक को जीवात्मा देखता है। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। वे चाहे पापी हो, चाहे सूर्य, तो चाहे मित्र हो, चलो जीवात्मा है, भगवान जीवात्मा है, ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से। और जीवात्मा क्या है? भगवान का अंश है नहीं? तो ठीक है, वो हमें समझ आता है, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। दैट्स ओके, क्लियर है? नहीं क्लियर है? वो तो क्लियर है समान दृष्टि से देखना। बट इसमें एक और पॉइंट है। ओके, ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से है कि भगवान का अंश है हर आत्मा। भक्ति की दृष्टि से समान देखने का मतलब क्या है? भक्ति की दृष्टि से वो समान रूप से देखता है, उसका मतलब क्या है? कर्म के अनुसार देखता है। हाँ, कर्म तो गुणों के अनुसार। भक्ति, भक्ति तो अलग हो गया। भक्ति की दृष्टि मतलब, भक्ति की दृष्टि मतलब भक्ति की दृष्टि अपने स्वभाव के अनुसार देखते हैं। भक्ति की दृष्टि से वो क्या देखता है? भक्ति की दृष्टि से वो देखता है कि जैसे मुझे भगवान ने भक्ति दी है, उसी प्रकार मैं सबको भक्ति दूं। मैं ये कंसिडर ना करूं कि वह मित्र को दूंगा, शत्रु को नहीं दूंगा, समझे? भक्ति की दृष्टि से वो ऐसे देखता है। भगवान थोड़े ना देखेंगे, अभी व्यक्ति की बात हो रही है। भक्ति की दृष्टि से वो देखता है कि मैं भी तो पापी था, मैं भी यूजलेस था, भगवान ने मुझे भक्ति दी। तो जब वो पापी को देखेगा तो उसको भगवान का स्मरण आएगा कि जैसे भगवान ने मुझे दी, मैं भी इसको दूं। वो अपने मित्र को देखेगा तो ऑफ कोर्स उसको लगेगा, जो अगर मेरे पास भक्ति है तो मैं कुछ शेयर करूं उससे। उसकी समान दृष्टि हो गई ना। भक्ति की दृष्टि से वो हर एक को भक्ति देना चाहता है। वो अपने द्वेष की वजह से किसी को भक्ति रोकता नहीं, शेयर करना रोकता नहीं। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। तो समान दृष्टि से देख रहा है। वो द्वेषी के प्रति उदासीन है, बट एट द सेम टाइम उसका जो जो एडवांस डिवोटी नहीं है, जो द्वेषी है, उनसे तो वो दूर ही रहता है। तो भक्ति संधा कहते थे कि उनसे दूर रहना ही उनके उनके बेनिफिट के लिए, उनसे उनको भक्ति जल्दी मिलेगी, रादर देन आप उनके पास जाओ। जो द्वेषी आप उनके पास जाओगे, आप उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे, वो और एंटी होंगे, जो पूरे एंटी लोग हैं, तो उनको थोड़ी दूर रखो, उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो, तो फिर वो थोड़ा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप भी करोगे, और फिर धीरे धीरे भक्ति में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे, है नहीं? सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। ओके, भक्ति की दृष्टि से है। अब एक प्रॉब्लम यहां पर जो बहुत बड़ी है, जिसको मैं कोट करना चाहता हूं यहां पर, कि समान दृष्टि का मतलब पता है क्या होता है? जनरली लोग क्या सोचते हैं समान दृष्टि का मतलब, जो अमेरिका में और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में समान दृष्टि का मतलब सोचते हैं कि समान आदर देना, सबको रिस्पेक्ट दो, है नहीं? यही कहते हैं, सबका आदर होना चाहिए, समान रूप से आदर होना चाहिए, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ऐसी बोलते हैं। क्यों आप ऊंच नीच कर रहे हो? ऐसे मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में, ऐसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऐसे टेम्पल में या किसी मंदिर में कई लोग आते हैं, तो कोई मान लीजिए कोई अमीर लोग, मान लीजिए कोई आपके डोनर्स भी आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता है, नहीं? या कोई VIP आए, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। ऑर्डिनरी लोगों के लिए अरेंजमेंट नहीं है, तो लोग गुस्सा मान लेते हैं कि यार इनके लिए स्पेशल रिस्पेक्ट किया है, सबकी रिस्पेक्ट इक्वल होनी चाहिए,
सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, यही हो रहा है ना, यही होता है। या अब अमेरिका जाओ, वहां पे जाओ तो कहते हैं कि भी देखो सबको इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे कोई बकवास ही बोल रहा है उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए अमेरिका में बहुत प्रॉब्लम है, अमेरिका में अगर आप नंगे घूमो तब भी ठीक है, तब भी उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, समझ रहे हो। अब इंडिया में भी ऐसा हो रहा है नहीं, अगर आप कुछ बोलो, जैसे मान लीजिए ये जो फीमेल लिब है, फीमेल लिबरेशन मूवमेंट, नहीं कि कि गर्ल्स कुछ भी कर सकती हैं, ज्यादा ही राइट्स मिल गए नहीं उनको, और लोग कह रहे हैं नहीं उनके आइडियाज को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, बट वो गलत है, सोसाइटी करप्ट हो रही है उससे, है नहीं। अब लड़कियां कह रही है हम भी घूम सकती है 12-1 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो हम भी फ्री होनी चाहिए, हमें भी जॉब करनी है और हमें भी आगे बढ़ना है, बट दैट्स नॉट अ, हमारा वैदिक ट्रेडिशन वो नहीं है। सो बट और स्त्रियां कह रही हैं कि बच्चे करने की जरूरत है, हमारे जॉब पे प्रॉब्लम आती है, तो ये सही है गलत है, दिस इज फनी, मगर फिर सोसाइटी लोग कहते नहीं इनके आइडियाज को भी आदर देना चाहिए क्योंकि समान दृष्टि होनी चाहिए। कम्युनिज्म क्या था, कम्युनिज्म समझते आप, साम्यवाद, सब इक्वल है, उनकी फिलॉसफी है सब इक्वल है, चाहे लेबर है, चाहे रिच है, चाहे पुअर है, सबको समान दृष्टि से देखो, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है मगर एक्चुअली ये नॉनसेंस है। सो समान दृष्टि देखने का मतलब एक्चुअली मध्वाचार्य लिख रहे यहां पर कि अच्छा अगर आप बोलो सबको समान दृष्टि से देखनी चाहिए, दुश्मन को भी और पापी को भी साधु को भी, तो क्या करें, तो साधु को भी उतना ही आदर दें जितना पापी को देने, क्या कहते हो आप लोग, देना है देने देना है, व्यवहारिक दृष्टि से अलग होगा ना। हाँ तो अलग है ना, मतलब पापी को थोड़े ना आदर दोगे, पापी को तो पनिशमेंट मिलेगी, कंडेम्ड होगा, है नहीं, चोर चोरी करके गया तो क्या करोगे, वो पापी है, और कृष्णा कह रहे हैं साधु और पापी को समान दृष्टि से देखना है, तो कुछ नहीं उसको भी आदर दो, हाँ तूने चोरी कर ली बहुत अच्छे वो तो पिटेगा, वो उसको पीटना चाहिए। सो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका में, वहां पे सबको आदर देते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, ऊटपटांग भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, वहां पे गलत और सही की डिस्टिंक्शन नहीं है, वहां गलत आइडिया को भी आदर देना है, सही आइडिया को भी आदर देना है, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वही आइडिया है ना। कृष्णा कह रहे हैं कि ये तो नॉनसेंस है, कृष्णा इसका प्रपोजल नहीं दे रहे, इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, मध्वाचार्य बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिख रहे हैं, आई जस्ट टेल यू नाउ, ओके, न तो साधु पापी ना पूजे साम्यम, वो कह रहे हैं भगवान ये नहीं कह रहे समान दृष्टि से देखना है साधु और पापी को, इसका मतलब ये है कि सबको सेम रिस्पेक्ट देनी है, ये गलत है, क्योंकि सबको सेम रिस्पेक्ट देना वो दोष माना गया है, वो आसुरी माना गया है, सबको समान आदर देना ठीक नहीं है, शास्त्रों में नहीं लिखा है ऐसा, आप सबको सेम आदर नहीं दे सकते, बल्कि समानाम विषमा पूजा विषमानाम समा तथा, बल्कि तो बल्कि वो तो बल्कि मध्वाचार्य पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं कि समान व्यक्तियों को अलग अलग आदर देना और जो समान नहीं है उनको समान आदर देना, दोनों ही गलत है, समझे। अगर कोई सेम लेवल है जिसका, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आदर देना, और जो अलग अलग लेवल पे है उनको समान आदर देना, दोनों ही गलत है। पद्म पुराण में लिखा है अगर कोई ऐसा करेगा तो देवता तक अपनी स्थिति से गिर जाएंगे, चाहे वो देवी क्यों ना हो, वो गिर जाएगा, उसका मन कलुषित हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं हूं और मान लीजिए तो मैं तो काफी साल से हूं भक्ति में, तो मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड आ गया, वो भी काफी साल से भक्ति में है नहीं, एक्चुअली ओके ये एग्जाम्पल छोड़ते हैं, जैसे राम और सुग्रीव, सॉरी क्या कहते हैं, ओके फाइन, राम और लक्ष्मण। अब जब राम लक्ष्मण मिलने आए, जब 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 उनको वनवास हो गया था तो सुग्रीव मिला था नहीं राम लक्ष्मण से, तो राम लक्ष्मण सुग्रीव की दृष्टि में तो समान ही है, दोनों महान ही है, दोनों अयोध्या कुल के राजकुमार हैं व्यवहारिक दृष्टि से, मगर सुग्रीव जब
सुग्रीव ने वेलकम किया तो राम भगवान को उसने आसन दिया बैठने को। अब उनके आसन तो पेड़ के तने ही थे, वो ले आया। लक्ष्मण को नहीं दिया सुग्रीव ने, लक्ष्मण को उतना आदर नहीं किया। तो किसने बोला था सुग्रीव को फिर बाद में? हनुमान जी ने बोला था भाई लक्ष्मण को ही देना है, तो उसने सेम आदर नहीं दिया और इसलिए उसको उसका पाप लगा। और इसलिए सुग्रीव एक बार रावण से हारा भी, पता है ना, पिटा था ना रावण से जब वो लंका में, जब वो कूद के चला गया था अपने जोश जोश में, वहां रावण से बहुत पिटा, फिर भाग के आ गया, बच गया सुग्रीव। राम ने कहा तुम मरी जाते। एक्चुअली सुग्रीव को जोश आ गया, मतलब वो लंका के चारों तरफ घेर के बैठे थे, तो सुग्रीव को याद आई सीता माँ की और जोश जोश में वो कूद के सीधा रावण के रूम में कौन आ गया। तो सुग्रीव ने वहां लड़ाई हो गई, मतलब हाथापाई हो गई, मगर रावण के पास इतनी शक्तियां थी, वो तो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करी और सुग्रीव को पकड़ लिया उन्होंने चूहे की तरह। तो सुग्रीव बस किसी ने निकल के कूद के वापस आ गया, तो राम ने कहा भाई ऐसा है कि तुम गए क्यों थे? तो सुग्रीव ने कहा नहीं तो सीता माँ इतनी दुखी हैं और मैंने सोचा कि बस मैं आज ही मार दूंगा। तो राम ने कहा तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या जो तुम चले गए? मतलब इतनी बड़ी सेना लेके आए हम और हम घेर के बैठे हैं और वो ऐसे ही मर जाता तो तुम्हें ही पहले भेज के मरवा देता मैं। वो दशरथ रावण है जिसके सामने देवता भी झुकते हैं और तुम ऐसे ही चले गए। और अगर राम ने कहा तुमने तो और बुरा कर दिया, अगर तुम रावण को मार देते तो लोग कहते राम कायर है, राम डर गया, राम खुद नहीं गया और सुग्रीव को जाके मरवा दिया, तुम तो मेरी बेइज्जती करने चले गए। आप देख रहे हो भक्ति क्या चीज है, आपको लगेगा वो भक्ति है, अगर कोई ऐसे सुनेगा तो भक्ति, अरे सुग्रीव सीता माँ के बारे में सोच रहे हैं और वो चले गए रावण को मारने, एक्चुअली वो भक्ति नहीं है, वो उन्होंने अपराध कर दिया। वो देखने में भक्ति लग रही है मगर भक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं कि इससे किसकी बेइज्जती होगी, राम की बेइज्जती होगी। बल्कि सीता ने भी कहा था हनुमान जी को जब मिलने आए थे अशोक वाटिका में, नहीं ले जाने के लिए नहीं, सीता ने कहा था कि हनुमान जी देखो ऐसा है कि मैं एक घास के तिनके से ही रावण को मार सकती हूं, तभी तो वो पकड़ के बैठती थी घास का तिनका, मेरे में इतनी शक्ति है मैं तो मार दूंगी, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं, मैं तो सोच लूंगी मर जाएगा रावण, बट मैं मार नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि रावण को मारने का यश किसको मिले, रामचंद्र को। देख रहे हो ये भक्ति है। सो कभी कभी पता है हमें भक्ति लग सकती है, बट इसीलिए सीनियर डिवोटीज की हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि अपने आप से तो सुग्रीव कन्विंस था कि मैं भक्ति कर रहा हूं, सीता माँ की रक्षा करना भक्ति नहीं है तो और क्या है, अगर वहां भक्ति नहीं है। एक्चुअली इसका एक और इंसिडेंस मुझे याद आया, कुरान में पढ़ रहा हूं इसलिए दिमाग में कुरान घूमती है, बट एनीवे प्रिंसिपल समझना है, चाहे कुरान हो चाहे कुछ भी हो। तो ये जो था क्या कहते हैं जो तो ये था आपका राजा सुलेमान राजा। तो सुलेमान राजा ने अल्लाह से ये प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा राज्य दीजिए कि ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, यूनिक राज्य। तो भगवान ने दे दिया। फिर मतलब वो तो बहुत साल, हजारों साल पहले होते सुलेमान राजा, मतलब 3-4-5 हजार साल पहले, कुछ लोग कहते 5 हजार, कुछ लोग 2.5 हजार। मगर उसके बाद कौन आए? प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद जानते हो ना प्रॉफिट क्या? हाँ या ना कुछ तो बोलो, मतलब आप तो क्या, तो मुझे कैसे पता लगेगा जानते हो? तो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद ये कहते हैं, रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल। तो वो आए, तो प्रॉफिट मोहम्मद भी बहुत पावरफुल पर्सन थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद एक बार बैठे हुए थे और वहां पे शैतान आ गया। शैतान, एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद अपने इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, तो जो शैतान है वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने कहा हमारे मैजिक ही नहीं चल रहा, हम किसी को पाप में लगा ही नहीं पा रहे, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा रिसर्च करो पूरी धरती पे क्या हो रहा है। तो ढूंढने गए तो उनको पता लगा ले ये बैठा है प्रॉफिट मोहम्मद, ये पैगंबर मोहम्मद आ गया और ऐसी भक्ति कर रहा है भगवान की कि हमारे पाप का प्रभाव नहीं पड़ रहा। अगर कोई बहुत शुद्ध भक्ति करेगा तो अपने आप धरती पे पाप कम हो जाएगा, ये भी है। इसलिए आज भी बद्री का आश्रम में नरनायन ऋषि
तपस्या कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि नरनारायण ऋषि की तपस्या की वजह से ही जो संसार चल रहा है अभी भी, वो जो भी चल रहा है उनकी तपस्या के लिए चल रहा है, वरना पाप इतना बढ़ जाएगा कि सब एक दूसरे को मार के खत्म हो जाएंगे। तो यूसी हमें तो लगता है कि संसार चल रहा है यूएनओ की वजह से, यूनिसेफ की वजह से, WHO, बट ऐसा नहीं है। वो तो चलो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो साधु लोग जो तपस्या कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि भाई वो तो खाली बैठे, खाली नहीं बैठे, उनकी तपस्या से ही संसार में पाप जो भी कम हो रहा है, जो भी रुक रहा है, जो भी थोड़ा बहुत धर्म है उनकी तपस्या से अभी भी हो रहा है, शास्त्र तो यही कह रहे हैं। इनफैक्ट ये जो आपके जो नहीं था आपके महर्षि महेश योगी, पता है ना महर्षि महेश योगी, पता है जो TM वाले, तो महर्षि महेश योगी कहते थे कि कि अगर मान लीजिए कोई भी राज्य है, उस राज्य की अगर 1% पॉपुलेशन, 1% पॉपुलेशन अगर शुद्ध तरीके से आध्यात्मिकता अप्लाई कर ले तो वहां पे पाप नहीं हो सकता। दैट वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ सेंस भी लगती है उसमें, नहीं? जैसे हमारे यहां है तो हमारे कितने लोग हैं, हमारे यहां कितने लोग हैं टोटल, 20, तो 20 का 1% कितना हुआ 20 का 1% तो पॉइंट कुछ हो गया। बट एनीवे, अगर इन 20 जनों में से एक व्यक्ति भी शुद्ध तरीके से भक्ति कर लेगा तो ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा आगे। अगर एक भी शुद्ध तरीके से भक्ति नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाप बढ़ जाएंगे। तो उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा प्रोजेक्ट टिकेगा, क्योंकि फिर को भी प्रॉब्लम्स होंगे, पाप होंगे, अपने आप खत्म होते रहेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी हरिनाम कीर्तन हो, उसमें एक व्यक्ति शुद्ध भक्त होना चाहिए, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऑफकोर्स शुद्ध भक्त का मतलब यह है कि जो कि गोल पे अपना फिक्स्ड है, जो सिंसियर है डिवोशन में, समझ रहे हो, तो इंपॉर्टेंट है। सो एनीवे, मैं बता रहा था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है तो उन्होंने कहा भी ये तो पैगंबर मोहम्मद तो यहां पर भक्ति कर रहे हैं अपना बैठ के, तो वहां पे जो शैतान है वो आ गया उनके सामने, उनको तो उनको डिस्टर्ब करने उनकी मेडिटेशन से। तो प्रॉफिट मोहम्मद तो बहुत पावरफुल थे, उन्होंने भगा दिया उसको, उन्होंने कहा शू, जैसे कुत्ते को भगाते ना, ऐसे भगा दिया कली को, कली जो था वो भगा दिया। तो फिर से आया, फिर से भगा दिया, फिर से आया तो उन्होंने उसको गले से पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो एक्चुअली हदीस जो है ना, हदीस मैं बता रहा था, हदीस जो प्रॉफिट मोहम्मद की लीला में रहता है उसमें लिखा है, जब उन्होंने गले से पकड़ा, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे फील हुआ कि इसको थूक भी मेरे हाथ पे गिरा था, इतनी बुरी तरह से दबा दिया। अब नाउ ही कुड सी, उनको दिखाई दे रहे थे कली वली, ये सब कुछ दिखाई दे रहे थे, वो तो महान लोग हैं ना, उन्हें पकड़ लिया। तब उनके मन में विचार आया कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपने मस्जिद में खंभे से बांध देता हूं और फिर बच्चे खेलेंगे इसके साथ, क्यों अबे अगर कली को यहाँ पे आ जाए उसको बांध देंगे फिर खेलो उसके साथ, पत्थर मारो और ये करो, सोचा कि बांध दूंगा। बट दूसरा विचार उनके मन में आया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने, क्योंकि अगर मैं बांध दूंगा ऐसे तो जो मेरा राज्य है, जो मस्जिद है, वो बहुत यूनिक हो जाएगा। यूनिक समझते हो, वो बहुत ही स्पेशल हो जाएगा, नहीं कि भाई इनके यहाँ तो कली भी बंधा हुआ है, बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने किसको बोला था कि तुम्हारा राज्य सबसे स्पेशल होगा, सुलेमान को बोला था कि भविष्य में भी ऐसा राज्य कोई नहीं होगा। तो उनको वो ध्यान आ गया कि भगवान ने वहां प्रॉमिस किया था कि सुलेमान का राज्य सबसे स्पेशल होगा, अगर मैं शैतान जो मेन कली को ही बांध दूं तो फिर तो उससे ज्यादा स्पेशल हो गया मेरा, क्योंकि सुलेमान के राज्य में कली बंधा नहीं हुआ था। So, सारे देवी देवता लोग कहेंगे ये सबसे स्पेशल राज्य है क्योंकि साक्षात कली इसने बांधा हुआ है यहां पर, जैसे रावण को बोलते थे कि रावण का राज्य बहुत स्पेशल है क्योंकि उसने तो देवी देवताओं को भी लाइन से खड़ा कर रखा था अपने राज्य में, और हिरण्यकश्यपु तो उससे भी ज्यादा स्पेशल था कि हिरण्यकश्यपु ने देवी देवताओं को अपनी सीढ़ी पर लिटा रखा था, जब अपने उस पर चलता था ना, वो क्या कहते हैं, थ्रोन पे, सिंहासन में जाता था, तो उसने सीढ़ियां बना रखी थी, एक सीढ़ी पे इंद्र लेटा हुआ था,
एक सीढ़ी पे वरुण, एक सीढ़ी पे अग्नि, और उसके पैर पैर रखे जाता था उसके ऊपर, मतलब ही वॉज सच अ पावरफुल मैन। तो सुलेमान का राज्य तो चलो बहुत स्पेशल था, तो इनको याद आया प्रॉफिट अहमद को कि भाई अल्लाह ने उनको प्रॉमिस किया है तुम्हारा स्पेशल होगा, इसलिए मैं इनको बांध नहीं सकता क्योंकि मेरा स्पेशल हो जाएगा। अगर मेरा दस स्पेशल हो गया तो किसका प्रॉमिस टूटेगा? भगवान का। तो फिर वो भक्ति नहीं हुई, समझ रहे हो आप? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खुद से समझ नहीं आएगी आपको भक्ति है या नहीं। वो तो जब तक आप तभी सीनियर डिवोटीज बताएंगे कि तुम्हें, आप कन्विंस हो सकते हो कि आप सोच रहे हो कि मैं प्रचार कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कोई भी डिवोटी प्रीचिंग नहीं कर रहा था। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इतने पावरफुल लोग थे, वो भी प्रीचिंग नहीं कर रहे थे। लोगों ने बोला कि आप प्रचार क्यों नहीं कर रहे? उन्हें बोला कि अगर हम प्रचार करेंगे तो सारी ग्लोरीज हमारे पास आ जाएंगी, मगर हम चाहते हैं कि संकीर्तन मूवमेंट का नेम और फेम किसके पास जाए? चैतन्य महाप्रभु के पास। तो देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस है। प्रचार करना सही है गलत है, भक्ति है नहीं है? भक्ति है, बट एट द सेम टाइम इस कंडीशन में भक्ति नहीं है जिससे भगवान का यश कम हो रहा है, इससे भगवान का अपमान हो रहा है। सो ये थोड़ा सा डायनेमिक्स समझना जरूरी है, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। ओके, ये एक पॉइंट था। तो वैसे मैं क्यों कह रहा हूं पॉइंट, हरे कृष्ण, तो फिर ये क्या हो गया? अच्छा, समान आदर, अच्छा उन्होंने पता नहीं क्या था, पता नहीं, एनीवे आ गया तो आ गया। सो एनीवे पॉइंट ये था कि या सबके आइडियाज इक्वल इक्वल नहीं है। एनीवे मैं क्या पूछ रहा था कि अच्छा हाँ, मैं लक्ष्मण और राम से शुरू किया था कि जो अगर समान व्यक्ति है उनको अलग अलग आधार देना सही सही नहीं है, और जो अलग अलग स्तर पे हैं उनको समान आदर देना भी सही नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं है। सो सबके आइडियाज ठीक नहीं है, और सबके आइडियाज ठीक हो भी नहीं सकते, सबके आइडियाज आदरणीय भी नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग लेवल्स में आदरणीय है। सो ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अलग अलग लेवल्स क्या है लोगों के, अलग अलग लेवल्स क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं किसको ज्यादा आदर देना है किसको कम देना है? तो मनु संहिता में कोट है, वित्तम बंधु वर्य कर्म विद्या तय वतु पंचमी। पांच लेवल्स हैं लोगों के संसार में। एक है मनु संहिता लिखा है, सबसे पहले अमीर आदमी, जिसके पास ज्यादा धन है उसको नेचुरली ज्यादा आदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत करके धन कमाया है। अगर उसने चोरी डाका डाके धम खड़ा है तो वो आदरणीय फिर नहीं है। संसार में तो चलो मिलता है, बट अगर सही ढंग से चला जाए तो जिसके पास ज्यादा धन है उसको ज्यादा आदर देते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके कमाया है, अगर वो सही लोगों की कम्युनिटी है। दैट्स आवर पॉइंट। अभी हम सही लोगों की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। जिसने करप्ट होकर धन कमाया है वो आदरणीय तो है ही नहीं, वो तो एक्चुअली पनिशेबल है, उसकी तो निंदा होनी चाहिए, उसको तो जेल में डालना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं। तो सबसे पहले ये लेवल है, उससे ऊपर होता है बंधु, उससे ज्यादा आदर देना चाहिए अपने रिलेटिव्स को, या फॉर हाँ रिलेटिव्स, अगर कोई अमीर आदमी आए और अगर कोई रिलेटिव आए सबसे पहले रिलेटिव्स को होता है, जैसे माता पिता है नहीं, ऑफ कोर्स नेचुरली। और उससे ज्यादा आदर होना चाहिए वरिया, एज के अनुसार, अगर आपके पेरेंट्स हैं ग्रैंडफादर आए तो सबसे पहले आदर देना चाहिए जो ज्यादा एजेड है। वैष्णविज्म में भी ऐसा ही है, तो जिस भक्त को ज्यादा टाइम हो गया, जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको आधा आदर होगा, जो नए हैं उनको कम आदर होगा। और फिर उसके बाद है कर्म, जैसे साइंटिस्ट उनको ज्यादा आदर मिलेगा क्योंकि ऑफकोर्स आई मीन टू से, या जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनका काम ज्यादा मुश्किल है नहीं, जितना काम मुश्किल होता जाएगा उतना आधा उसको आदर मिलता जाएगा। और लास्ट जो हाईएस्ट है वह विद्या, जितना नॉलेजेबल व्यक्ति होगा उसको सबसे ज्यादा आदर मिलेगा। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर।
आई मीन टू से कर्म में आपका ज्यादा मुश्किल काम और पोस्ट भी आती है, जितनी ऊपर पोस्ट होगी उतना ज्यादा आदर मिलेगा, मगर उससे ऊपर है विद्या, विद्यावान व्यक्ति को सबसे आदर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके सनत सनातन सनत कुमार है, ब्रह्मा जी के पुत्र, वो तो छोटे ही बच्चे हैं आयु में तो वरिष्ठ नहीं है, और उसके बाद पोस्ट भी कुछ नहीं है उनकी, ऐसी कुछ पोस्ट है चलो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बट उनको आदर क्यों देना है, क्योंकि विद्या है। तो एक छोटे बच्चे को भी अगर मान लीजिए आपसे आधा विद्या है, तो आप बाउंड उसको आदर देने के लिए, आप उसके सामने झुकने के लिए बाउंड हो। आप ये नहीं कह सकते अरे तुम्हें बहुत कुछ आता है और आदर नहीं दो, फिर आप नहीं झुकोगे तो वो पाप हो जाएगा, दैट्स रॉन्ग, समझे। सो ये लेवल्स हैं, ये पांच लेवल्स हैं जो मनु संहिता में दिए। इस तरह से हम डिसाइड करते हैं किसको आदर देना है किसको नहीं देना। जैसे 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 मान लीजिए अगर कोई राजा खड़ा है और उसके साथ साथ राजा के साथ साथ कोई महान ऋषि खड़े हैं, तो पहले किसको आदर देंगे? ऋषि को। क्यों? क्योंकि विद्या है, दैट्स द होल पॉइंट। राजा को पहले आदर नहीं दिया जाएगा चाहे राजा भी खड़ा है। सो ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद उत्तमम, इस तरह से आदर देना चाहिए दूसरों को लेवल्स पे। तो शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति इन शास्त्रों की दृष्टि से आदर करता है दूसरों का, उसको भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सो पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि और मनु संहिता में भी लिखा है जो सबको समान आदर देता है वो असुर है, वो डेमोनिया क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं आएगा। सबका आइडिया सेम है, सब समान है, वो एक तो प्रैक्टिकल भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। ओ आई जस्ट गॉट इट रॉन्ग, तो श्लोक ही चला गया। कौन सा चैप्टर है? 9 चैप्टर, 12th में आ गया मैं, 6-9 ना। ओके, कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी का कुछ है, कुछ पूछना है? मतलब दिस इज वन थिंग, आई जस्ट क्या कह रहे हो? राम भगवान और लक्ष्मण जी जो है तो मतलब दोनों को समान रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो फिर उनको पाप लगा। हाँ, तो पाप लगा तो क्या है, समान आदर देना चाहिए था ना, क्योंकि सेम है ना वो, तो उनकी दृष्टि में तो दोनों ही अयोध्या के राजकुमार है, उनकी दृष्टि में, ये जरूरी है समझना। अभी उनकी दृष्टि में दोनों समान ही है, वो छोटे बड़े का वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, वो दोनों राजकुमार है, समझ रहे वो दृष्टिकोण देखना होता है कि क्या है उसकी दृष्टि में। सो वहां पे वो राजकुमार है, वहां पे छोटे भाई बड़े भाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और छोटे बड़े तब भी आदर देना है क्योंकि दोनों राजकुमार है, दैट्स ऑल। ओके, सो दैट्स वन थिंग। अब ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि समान दृष्टि से देखना चाहिए तो साधु और पापी को, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि चाहे कोई पाप कर रहा है चाहे कोई पुण्य कर रहा है, हम उससे कंसर्न्ड ही नहीं है। ये लोग कहते नहीं कहते, चलो भाई ठीक है, एक भक्त को क्या फर्क पड़ता है, कोई अच्छा काम कर रहा है कोई बुरा काम कर रहा है, दैट्स ओके, यू नो, सब सेम ही है। बट एक्चुअली सब सेम नहीं है, सब सेम नहीं है, पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, सेम नहीं है, मगर भक्त की दृष्टि में दोनों का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि ना पाप से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो ना पुण्य से, इसलिए वैल्यू नहीं, वरना पाप तो नीचे है, पाप तो कंडेम्ड है, और पुण्यवान व्यक्ति फिर भी पापी से तो अच्छा ही है ना, कुछ अच्छा काम तो कर ही रहा है, तो इसलिए सबका अलग अलग ग्रेडेशंस है वहां पर। इसलिए यहां पे कह रहे हैं गुण अनुसार इनाम पूजा, गुण के अनुसार कितने पैसे हैं, क्या वित्तम पैसे, पोजीशन, विद्या, ये सब देख के फिर आदर करनी होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सोसाइटी में, क्योंकि इसी के बेसिस पे पॉलिटिकल थ्योरीज बनती हैं। अब जो फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म में क्या प्रॉब्लम है, कम्युनिज्म प्रॉब्लम है सबको सेम आदर दे देना। अमेरिका में वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या प्रॉब्लम है, सब इक्वल है, नॉनसेंस है। और दूसरी तरफ है कैपिटलिज्म,
कि जो अमीर है ज्यादा आदरणीय है, गरीब कम आदरणीय है, उनका ऐसे चलता है, चाहे वो करप्ट हो चाहे करप्ट नहीं हो, वो नहीं देखेंगे उसको। और तीसरी तरफ है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी समझते हो आप लोग? लोकतंत्र जो हमारे हैं वो भी नॉनसेंस है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि कुछ बेवकूफों ने मिलकर एक 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 लीडर को चुन लिया, तो वोट देने वाले उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, वो ठप्पा लगा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, कोई नॉलेज ही नहीं है कैसे करेंगे। वो तो ऐसे करेंगे, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की तो हमने उसको लीडर चुन लिया। और उससे मतलब शिला प्रोपा कहते थे डेमोक्रेसी मतलब कुछ गधों ने गधे को चुन लिया। और यही है सारे पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ आता नहीं है मोस्टली, और बैठे हैं। और इनफैक्ट सोक्रेट्स और प्लेटो ने अपने बुक में डेमोक्रेसी की बहुत निंदा की है, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी बकवास है, नॉनसेंस है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं अब वोट दे के अब चुनो लीडर कि प्रोजेक्ट कौन संभालेगा, तो सही है? अब आप लोग तो अपने राग द्वेष से सोचोगे, इसको अच्छा नहीं लगता इसको वोट नहीं दूंगा, ये अच्छा नहीं लगता इसको वोट नहीं दूंगा, इसने मुझे मारा था या इसने मुझे वो दी चीज थी, दैट्स यूजलेस कॉन्सेप्ट, तो वो भी गलत है। इस श्लोक को समझने से हम पॉलिटिकल सिस्टम भी बना सकते हैं बहुत अच्छा। एक लीडर तो उसको होना चाहिए जिसकी समान दृष्टि है, एक लीडर उसको होना चाहिए, समान दृष्टि का मतलब कि जो कि जिसको पता है किसको कितना आदर देना है, किसको क्या पोजीशन देनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक को सेम पोजीशन सेम आदर नहीं मिल सकता, जो जितना क्वालिफाइड है उसको उतनी पोजीशन और उतना आदर देना पड़ेगा, तब सोसाइटी ठीक रहेगी। और वैसे भी मध्वाचार्य ने ये पॉइंट उठाया है, एक्चुअली वो पॉइंट उठा रहे हैं कि भी अगर आप लोगों को अलग अलग आदर दोगे तो बाकी लोग तो आपके द्वेषी हो जाएंगे, होता है नहीं होता है, लिख रहे यहां पर सर्वभूतेषु कुरुते तस्य विष्णु प्रसिद्धति वैषम्य उत्मत्तत्वं तु ददाति नरस संचयात। तो कह रहे हैं कि भाई अब कुछ लोग कहते हैं यार आप आदर दे रहे हो, द्वेषी हो जाएंगे, उसको आदर क्यों ज्यादा मिल रहा है नहीं, दैट्स द होल पॉइंट देयर। बट मध्वा कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा हमारे सिस्टम में, भगवान के सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, गीता के सिस्टम में, क्योंकि पूजा या विषयाम दृष्टि समा साम्यम विदुषोजा। अगर लीडर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ ले कि जो क्वालिफाइड है उसी को ज्यादा आदर मिलेगा, जिसमें सही में गुण है और सही मेहनत कर रहा है, तो कोई भी द्वेषी नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी नेचुरल रिस्पेक्ट आएगी, आएगी नहीं आएगी, स्वाभाविक रिस्पेक्ट आएगी। ऐसे ही हमारे यहां भी है नहीं, मान लीजिए अगर कोई ज्यादा मेहनत करता है सब उसको आदर देते नहीं देते ये ज्यादा, और बाकी लोग भी कहते हैं हाँ यार अच्छा है, दिखाई दे रहा है ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं मिलना चाहिए आदर, एम राइट? सो ये इसलिए श्लोक से हमें लीडर भी समझ आता है, लीडर कौन होता है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि देखे किसमें क्या गुण है और उसके अनुसार उसको उठाए, उसको पोज दे और उसको आदर दे। जिसमें गुण नहीं है अगर आपने उसको उठा दिया, उसको आपने पोज दे दी और उसको आदर दिलवा रहे हो, तो बाकी लोग द्वेषी हो जाएंगे और उसमें भी द्वेष आ जाएगा उसकी वजह से, वो भी फ्रस्ट्रेट होगा और फिर अल्टीमेटली वो उसका भी अकल्याण दूसरे का भी अकल्याण। सही उसी जैसे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अब मोदी को सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट तो दे ही रहे हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज भी दे रहे हैं, इंडिया भी दे रहा है, पूरा वर्ल्ड ही दे रहा है। क्यों? बिकॉज क्योंकि मोदी का अपना करैक्टर भी है, मतलब इज अ वो ऐसे ढीला ढाला कोई प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, ये कुछ नहीं जैसे कांग्रेस के लीडर्स हैं, तो मान लीजिए हमारे लीडर राहुल बन जाते तो क्या होता तो बन तो जाते मगर आधे लोग क्रिटिसाइज करते। वह मोदी का अपना करैक्टर है और उस वो काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट सिटिंग, तो सब आदर दे रहे हैं, कोई द्वेष नहीं कर रहा, यू सी द पॉइंट? क्योंकि वो आई थिंक ही हैव वो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद्गीता के समझ ही गया है वो तो। मगर अगर आपको पोस्ट मिल जाए बाई चांस, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, आपको पोस्ट मिल गई और आदर ही मिल रहा है, और पोस्ट मिलने के बाद पोस्ट दिमाग में चली गई और आपने मेहनत करना कम कर दिया, इमरान खान, यह बात सही है, तो इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर बेइज्जती होगी। तो
तो इसलिए द होल पॉइंट इज, इससे दूसरी पॉइंट भी समझ आ रहा है। मैंने आज श्लोक इसलिए लिया है बताने के लिए कि गीता बहुत प्रैक्टिकल भी है। गीता सिर्फ भक्ति के बारे में नहीं सिखा रही है, भगवान की गीता कंप्लीट है, आध्यात्मिक भी है, व्यवहारिक भी है। और कई लोग इस, अब वो आया नहीं था, वो लड़का नहीं आया था उस दिन, वो ये कह रहा था देखो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, सब समान है, आप किसी को ज़्यादा कुछ मत बोलो। मैंने कहा भाई ऐसा है कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम क्या करेंगे, समान दृष्टि से देखेंगे? तो ये तो फिलॉसफी इम्प्रैक्टिकल है। या कोई पाप कर रहा है, किसी को मार रहा है, टेररिस्ट किसी गला काट रहा है, तो क्या करोगे? सब अच्छे हैं, ये जो फिलॉसफी है ना सब अच्छे हैं, ये बहुत ही गंदी फिलॉसफी है, सब अच्छे नहीं है भगवान। मगर लोग अपनी फिलॉसफी को कोट करने के लिए ये श्लोक कोट करते हैं, साधुषी अपि पापेशु समा बुद्धिर विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं साधु और पापी को समान दृष्टि से देखो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, साधु है कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, सब ठीक नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड पापी तो निंदनीय है, हमें पता है पापी ठीक नहीं है, मगर एक साधु कोशिश करेगा कि उसको पाप से निकाले, उसको कंडेम ना करे। ये इसमें फर्क है नहीं? कंडेम समझते हो ना? कंडेम कैसे कहेंगे, कंडेम वर्ड मुझे याद नहीं, समझ नहीं आ रहा है। निंदा एक थोड़ा, हाँ निंदा, निंदा कह सकते हो, मगर निंदनीय मैंने वर्ड यूज कर लिया। हाँ मतलब पाप करना दोष है नहीं, गलत है। कोई चोरी करेगा तो क्या करोगे, उसको जेल में बंद करके पीटना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम उसको हम इस मैं बता रहा था ना, उसको इस तरह से पनिशमेंट दें कि जिससे वो चेंज हो, सुधर जाए, आज के जेल की तरह नहीं है। वो जेल में जाके और ज्यादा बड़ा चोर बन जाता है, क्योंकि और कैदियों से वो ट्रिक सीख लेता है वो और कैदियों से ट्रिक सीख लेगा और पिट के और ज्यादा उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसकी वो मोटी चमड़ी हो जाती है ना। तो जितना बार जेल जाते हैं और बड़े कैदी हो जाते हैं, बोलो होते हैं। अनुत्तम है नहीं आपके डाल्टनगंज में, आप ही बता रहे थे, मुझे कौन बता रहा था कि और बड़े कैदी हो जाते हैं। इस श्लोक का एक और मतलब भी ऐसे निकलता है क्या, जैसे हम कहते हैं सब जीवात्मा एक है, तो व्हेन वी से सोल टू सोल कनेक्शन, तो सबकी रिस्पेक्ट एक जैसी है। वो मैं समझ गया, वो मैंने पहले पॉइंट बोला था। सेकंड है हाँ दौलत बंधु वो नहीं, मगर एक बात है, मगर उसमें एक बात है कि एक्चुअली क्या है, हम रिस्पेक्ट वर्ड लाना नहीं चाहते क्योंकि फिर उसमें कंफ्यूजन आएगी। मान लीजिए भगवान ला नहीं रहे रिस्पेक्ट वर्ड, ही जानबूझ के रिस्पेक्ट वर्ड नहीं ला रहे, क्योंकि क्या है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे, पॉइंट समझ गया, वो भी पॉइंट बोल रहे हैं, सब आत्मा है नहीं, सब भगवान के अंश हैं, तो उस एंगल में हम लोग सबको इस दृष्टि से देखते हैं समान रूप से। अब हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि आप उनको सेम रिस्पेक्ट दो, वो बात अलग है। हाँ वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो हाँ वो बात अलग है। ये थोड़ा वो बड़ा आदमी है, मगर उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बस ये बात है, डिफरेंस वहां पे भी आएगा। हाँ तो फिर हाँ तो देयर इज अ डिफरेंस। माधवा ये भी कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट देने में भी लेवल्स होंगे, तो आप कहोगे कि भी सब आत्मा है तो सेम रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे? हाँ बस ये बात है, इसलिए रिस्पेक्ट, हाँ इसलिए हम रिस्पेक्ट वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पर। जैसे मान लीजिए वैष्णव कम्युनिटी भी है, यहाँ पे भी हम सेम रिस्पेक्ट नहीं देते, जबकि हम डिवोटी हैं और हम तो सबको भगवान के दास के रूप में भी देख रहे हैं। तो रिस्पेक्ट आदर के कॉन्टेक्स्ट में इक्वालिटी नहीं होती, फुल स्टॉप। कोई भी शास्त्र नहीं कह रहे आदर के लेवल पे नहीं होती इक्वालिटी। जो अगर समानता एक ही स्तर पे हो सकती है कि आप सबको जीवात्मा के रूप में देखो और समान रूप से उनकी भक्ति करने में हेल्प करो, वो ठीक है। रिस्पेक्ट वर्ड आते ही सब कंफ्यूजन चालू हो जाएगी, इसलिए शास्त्र कहते नहीं। वो भी कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। कोई भी है तो इंसान है, अगर गलती होगी तो माफ कर दो।
वो एक अलग चीज़ हो गई, मैं समझ गया आपकी बात। बट अगर आप बिल्कुल ही, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अ PhD, तो एक डेफिनेशन रूप में एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसलिए भगवान एग्जाम्पल्स ला नहीं रहे, मगर मैं व्यवहारिक रूप में तो चलो हम कह देते हैं ऐसा इंसान ही है, ठीक है माफ़ कर दो। बट अगर वो कुछ गलती करेगा, समटाइम्स ही इज पनिशेबल, वी हैव टू पनिश हिम फॉर हिज बेनिफिट। हाँ तो वो फिर रिस्पेक्ट से नहीं होगी। पाप बुरा है, पापी नहीं है वो। हाँ वो बात है, पापी लेबल लगा देते हैं जो, उस फिल्टर वो, से देखने लगे। वो मैं समझ गया, फॉर इयर्स टू कम वो और पापी बन जाता है। तो पापी है मगर फिर भी आत्मा है, इसलिए उसको हम सुधार सकते हैं। हाँ तो आत्मा के स्तर पे, इसलिए कहते हैं आत्मा के स्तर पे जब समान देखते हैं तो कृपा दी जाती है, और आदर की बात नहीं होती वहां तो। हाँ हाँ वो इसलिए, इसलिए वो आदर नहीं है, वो आपके उसमें चल रहा है ना इंसानियत, वो कृपा है। तो आध्यात्मिक दृष्टि में समानता का मतलब होता है कृपा, समान रूप से कृपा। व्यवहारिक दृष्टि में आदर की बात आती है, तो आदर आप नहीं ला सकते वहां पे, फिर तो पूरा ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे डिस्टिंक्शन करते हैं, कृपा मैत्री, प्रेम मैत्री, कृपा उपेक्षा। इसलिए शास्त्र, धर्म शास्त्र बहुत स्पेसिफिक हैं कि ये ठीक है, आप सबको समान रूप से आत्मा के रूप में देख रहे हो, सब पे कृपा करो, आदर नहीं है वहां, यू कैन हेल्प देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आदर तो समान कभी हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आदर समान नहीं है। राधा रानी को ज्यादा आदर मिलता है, गोपियों को कम आदर मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां पे तो सभी आत्मा है, वहां तो शरीर तो है ही नहीं। इसलिए मधवा कह रहे हैं कि ये जो कि ये जो आपका तारतम्य है, ग्रेडेशंस हैं, ये हमेशा रहेंगी, चाहे आध्यात्मिक स्तर हो चाहे व्यवहारिक स्तर हो, आदर हमेशा अलग रहेगा। आदर समान जो करेगा वो तो असुर बन जाएगा, वो फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। क्योंकि मान लीजिए अभी अभी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए, तो वहां पर विष्णु है, लक्ष्मी है, गरुड़ जी हैं, तो किसको आदर ज्यादा मिलेगा? लक्ष्मी जी को, गरुड़ जी को नहीं देंगे हम। अगर मान लीजिए गरुड़ जी खड़े हैं, इनफैक्ट मंदिरों में भी ऐसा होता है, जो गरुड़ स्तंभ होता है साउथ इंडिया में, आप गए हो गरुड़ स्तंभ देखा था आपने हैदराबाद में जगन्नाथ मंदिर में, गरुड़ स्तंभ है, भगवान की डीटीज होती हैं। तो अगर मान लीजिए, तो सबसे पहले हम गरुड़ स्तंभ को प्रणाम करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, ऐसा होता है साउथ इंडियन मंदिर में, प्रणाम करते हैं। मगर मान लीजिए अगर पट खुले और गरुड़ स्तंभ है, तो आप गरुड़ जी को प्रणाम नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि भगवान वहां पर है सामने। भगवान के सामने आप किसी को आदर नहीं दे सकते, वो भी गलत है। तो इसलिए धर्मशास्त्र बहुत स्पेसिफिक है, तभी मधवा ने इतनी बड़ी कमेंट्री लिखी है। और ऋग्वेद में एक सेक्शन आ रहा है कि ये आदर सबको समान देना, ये आसुरी है, चाहे यहां हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो। हां आत्मा के स्तर पर अगर दृष्टि आप समान रखोगे, उससे क्या प्रकट होता है? उससे आदर नहीं होता प्रकट, उससे कृपा प्रकट होती है। ठीक है, माफ कर दे, कृपा है। सो दैट्स, देयर इज अ डिस्टिंक्शन देयर लिटिल बिट। और इसको इसको फिर हम इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो समझती नहीं, क्योंकि पहली बात तो वहां पे आत्मा कॉन्सेप्ट ही उड़ा हुआ है, वहां तो आत्मा ही को कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान को कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए वो इसी में झगड़ते रहते हैं कि समान आदर देना है नहीं देना, फिर वो कन्फ्यूजन आती है इंसानियत की, फिर वो कहते हैं नहीं ये आदर, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं इंसानियत आदर है या नहीं है, और फिर पूरा कबाड़ा, फिर उनके यहाँ बड़ी बड़ी उल्टी फुल्टी फिलोसफीज निकलती हैं, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, फिर उसका हाफ डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद और भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। सब उसका बेस यही है कि वो कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि समानता का मतलब क्या है और समानता करने से क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, और भगवान ने एक श्लोक में इसको क्लियर कर दिया, एक श्लोक में। इसलिए गीता पढ़ने से आप, प्रभुपाद ने बोला है कि गीता पढ़ने से आप पूरे वर्ल्ड को भी रूल कर सकते हो प्रैक्टिकली, सिर्फ कहानियां नहीं है। भगवान गीता, तभी तो भगवान ने गीता अर्जुन को बोली, और गीता फिर युधिष्ठिर महाराज, किंग्स भी भगवान ने, सबसे पहले भगवान ने गीता किसको बोली थी? सूर्यदेव, सूर्यदेव ने किसको बोली थी? इक्ष्वाकु, राजा को। तभी तो भगवान कह रहे हैं राज ऋषि पढ़ते थे, ये सिर्फ साधु नहीं पढ़ते थे जो अपना भजन माला घुमा रहे हैं, और राज ऋषियों को प्रैक्टिकल सिस्टम चाहिए जो काम करे, सोसाइटी चले, और तो वो प्रैक्टिकल सिस्टम है। गीता में हर चीज डिफाइंड है। तभी मैं पहले डेफिनेशन दे रहा था, मित्र कौन है, सुहृद कौन है, कृपा क्या है,
आदर क्या है, वो सब डेफिनेशंस दे के फिर हमें सिस्टम सेट होगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे. दैट्स द होल डिफरेंस देयर जो ला रहे कमेंट्री में. ओके कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एम डन हियर. क्या कह रहे हो श्याम सर? एक्चुअली वेस्टर्न सिविलाइजेशन में थोड़ा इनका एक इतिहास भी है. अमेरिका में तो ब्लैक्स का शोषण होता था. हाँ. और उससे पहले वुमेन का शोषण होता था. यहाँ पे जो निचली जाति हैं सो कॉल्ड, उनका शोषण होता था. तो वो शोषण से उब उब के फिर उन्होंने बोला कि हमें इससे मुक्त कराओ. तो ये इक्वेलिटी वाला मूवमेंट चल पड़ा. हाँ, ये कौन सा? हाँ, मैं उनको ये चलाने की जरूरत ही नहीं थी. अगर वो शास्त्र सबसे पहले तो उन्होंने हमारे शास्त्रों को उड़ाया मनुवाद कहकर. यही तो है फिलॉसफी जो आई अम्बेडकर जी की, मनुवाद है. ये लोग इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, कास्ट सिस्टम है. और वो उसका कारण भी है मैं समझता हूँ, क्योंकि वो शोषण कर रहे थे ब्राह्मण लोग शूद्रों का, और सती को जला रहे हैं, स्त्री को पकड़ के. मतलब वो सिस्टम ही नहीं हमारे यहाँ. बाय द सेम टाइम एक चीज गलत हो रही है, उसको सही करने के लिए आपने दूसरी गलत सिस्टम लिया है. दैट्स अ रॉन्ग थिंग. आप गलत को गलत से सही कैसे करोगे? अब पिक्चर वहां थी, अब पिक्चर यहां चली गई. पहले और कम्युनिज्म ऐसे ही था. सबसे पहले पूंजीवादी शोषण कर रहे थे जो कि गरीब लोग हैं. फिर वो कम्युनिस्ट ले सब इक्वल है. फिर गरीब लोग शोषण करने लगे पूंजीवादी होगा, वो परेशान हो गए. तो एक्सट्रीम. अब भगवान का सिस्टम नहीं मानोगे तो या तो उधर जाओगे या उधर जाओगे. बस यही है भगवान का सिस्टम. भगवान विष्णु सतोगुण में, बैलेंस उन्हीं को करना आता है. सतोगुण मतलब बैलेंस, उन्हीं के एडवाइस से बैलेंस होगा. तो या तो हम ब्रह्मा जी की साइड चले जाएंगे या शिव जी की साइड. तो क्रिएशन करेंगे या डिस्ट्रक्शन. घर में भी जैसे आपकी मेड है या आप सड़क पे जा रहे हो, कोई गाड़ी टच कर दे, कुछ हो, तो अब व्यवहार कैसा होना चाहिए? दूसरा आदमी आया, आपने मारा पुराना, एक तो है लड़ाई झगड़ा शुरू किया. एक की गलती होती है वो मानता नहीं, दूसरा कहता मैं ठीक हूँ, वो कहता मैं ठीक हूँ. ये बात है. में होती है आपकी मेड आई, एक दिन बीमार है, बहाना लगा दिया, दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आई. तो ये व्यवहार सीखना भी तो इधर से ही हमें यहीं से आएगा. और ये पता कैसे सही होगा? एक्चुअली क्या है, मान लीजिए आपकी गाड़ी को किसी ने छू लिया और लड़ाई हो गई, हमने लड़ाई कर दी. पॉइंट ये है कि डिवोटीज इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं. क्यों? क्योंकि डिवोटी की लाइफ में भगवान होते हैं. सो मान लीजिए आपको किसी ने मार दिया, तो हम उसको नहीं मारेंगे. क्यों? क्यों नहीं मारेंगे? इसलिए नहीं क्योंकि हम अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि क्योंकि भगवान का आदेश है कि आपको सहन करना है, टॉलरेशन शक्ति होनी चाहिए. अपना अपना काम करो, आप सहन करो. भगवान चाहते हैं अहिंसा. हाँ, तो फिर तो हम भगवान के बारे में सोच के ये एक्शन लेते हैं, अपने बारे में सोच के नहीं लेते. देयर इज अ डिफरेंस. पुण्यवान व्यक्ति एक अच्छे आदमी और डिवोटी में फर्क है. चाहे बाहर से सेम लग रहा हो, वे अच्छे आदमी को आप मारोगे वो भी नहीं लड़ेगा. चलो भी ठीक है, आपको भी अच्छा है. एक डिवोटी को मारेगा वो भी नहीं लड़ेगा. बताए वो जमीन आसमान का फर्क है. क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी सोच रहा है कि चलो ये अच्छा काम है, मुझे अननेसेसरली मारपीट क्यों करनी है, क्यों अननेसेसरली, मेरा हो गया, मैं सहन कर लूंगा, दैट्स इट. ठीक है, दैट्स गुड, है ना. बट जो हाँ डिवोटी क्या करेगा, डिवोटी को किसी ने मारा तो डिवोटी क्यों सहन करेगा? डिवोटी इसलिए सहन करेगा क्योंकि मेरे भगवान का आदेश है, मेरे भगवान चाहते हैं. ये सहन करने से ये आदमी खुश नहीं होगा. वो व्यक्ति पुण्यवान तो सोच रहा है चलो मैं सहन कर लूँ, ये कर लूँ, ठीक है मामला सेटल हो गया. भक्त सोच रहा है कि मैं सहन करूंगा तो भगवान खुश होंगे, उसकी पिक्चर में भगवान है. और प्लस फिर ये सोचेगा कि मैं कैसे इस पे कृपा करूं कि आगे से ये अगर कर सकता है कि रिफॉर्म हो जाए, इसका क्रोध कम हो जाए, अपने व्यवहार ऐसा व्यवहार करूं कि आगे से ये इतना इंप्रेस हो जाए कि आगे से ऐसा काम करे ही ना. बहुत फर्क हो गया दोनों के अंदर. तो हाँ, देयर इज अ डिफरेंस देयर. तो वो ऑर्डिनरी आदमी को तो नजर आएगा ही नहीं, उसको तो सेम लगेगा. वो तो ऑफकोर्स वो तो नॉनसेंस है, वो तो नॉनसेंस है. सिमिलरली ऑन द रोड जब एक्सीडेंट हो रहा है और एक क्रैश कर रहा है, इट मींस ही इज ऑलरेडी इन लॉट ऑफ पेन.
या अपनी अटैच्ड है, चाहे उसका कोई या देयर इज अ या देयर आर देयर थिंग्स देयर करना ही पड़ेगा देयर आर थिंग्स या क्या कह रहे हो फर्स्ट टाइम बताओ ना थोड़ा ऑफ टॉपिक है लेकिन हरिदास ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हरिदास ठाकुर को जब चाबुक पढ़ रहे थे तो इसलिए कि वो जो जो चाबुक मार रहे थे वो नर्क ना चले जाएं इसलिए वो टॉलरेट कर रहे हैं हाँ देयर इज अ डिफरेंस ये बात एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है मान लीजिए आप एक अच्छे आदमी को चाबुक मारो वो कहेगा देखो मैं अच्छा एक्चुअली अच्छे आदमी में अहंकार होता है अच्छाई का हाँ कि मैंने सहन कर लिया देखो अब मुझे सहन करना चाहिए अच्छाई होनी चाहिए बट एक हरिदास ठाकुर को भी चाबुक मार रहे थे हरिदास ठाकुर ने सोचा कि अगर मैं सहन नहीं करूंगा तो फिर इन पे पाप लग जाएगा और ये नर्क चले जाएंगे भगवान का क्रोध इन पे आ जाएगा क्योंकि वैष्णव थे ना वो तो हरिदास ठाकुर ने सहन किया और भगवान से प्रार्थना की भगवान इनको माफ कर दीजिए तो इसलिए वो सहन करते गए तो उनका सहन करना वो कृपा से आ रहा है उनको बचाने के लिए उन्होंने फिर वो खाते रह चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं तो मारो इसलिए मैं सहन नहीं कर रहा क्योंकि मैं अच्छा व्यक्ति हूं मैं तो हुई नॉनसेंस बट मैं इसलिए सहन कर रहा हूं कि जिससे तुम्हें कोई पाप तुम्हें अपराध ना लगे एक वैष्णव को मारने का और वो अपने माइंड में यही प्रे कर रहे थे भगवान माफ कर दीजिए इनको इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस देयर क्या कह रहे हो जीसस क्राइस्ट भी यही कह रहे थे जीसस क्राइस्ट भी कह रहे थे कि भगवान इनको माफ कर दीजिए दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग देयर सो बहुत डिफरेंस है एक डिवोटी एक अच्छे आदमी एक पापी में सो लॉट ऑफ डिफरेंस इसलिए कहा जाता है कि किंग को राज ऋषि होना चाहिए डिवोटी होना चाहिए ऋषि जो जिसको शास्त्रों की नॉलेज है सिर्फ अच्छा आदमी काम नहीं करेगा ही हैज टू बी नॉलेजेबल इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स फेल हैं क्योंकि वो अच्छे भी हैं मगर वो शास्त्रों में नॉलेजेबल नहीं है दैट्स द होल पॉइंट ट्रेंड ही नहीं है वो तो सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं कल ही बता रहा था अच्छे आदमी है मगर उनको अच्छाई करनी भी आनी चाहिए उसमें भी ट्रेनिंग चाहिए और वो फिर शास्त्र सिखाएंगे हाउ टू डू दैट अदरवाइज गलत पॉलिसीज बनेंगी उसका इफेक्ट सही नहीं होगा एनीवे दैट्स हाउ इट वेंट ओके सो मैं एक्चुअली कोर्स लिख रहा हूँ ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स और मैनेजमेंट तो मैं उस पर लिख रहा था तो मैं यही श्लोक मैं सब कुछ गीता पर ही बेस कर रहा हूँ ऑफकोर्स गीता हमारी मेन बुक है तो फिर हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाएंगे और हमें भी तो काफ़ी लोगों को मैनेज करना है तो हमें प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए अदरवाइज हम क्यों जानना चाहते हैं क्योंकि हमारी भी सोसाइटी है लोग रह ही रहे हैं प्रिंसिपल्स तो वही काम करेंगे चाहे पूरी कंट्री हो चाहे 100 लोग हों चाहे 10 लोग हों चाहे 4 ही लोग हों प्रिंसिपल्स हर जगह सेम काम करते हैं चाहे एक फैमिली क्यों ना हो तो अगर हम ये प्रिंसिपल समझ लेंगे तो आप आराम से शांति बनाए रह सकते हो और भक्ति के लिए फिर कंड्यूसिव है इसलिए भगवान ये सब बता रहे हैं सो दैट्स द होल पॉइंट इन दिस वर्स जैसे कृष्ण भगवान ने भगवद्गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को भी ज्ञान दिया था वो ज्ञान क्या सेम था भगवद्गीता सेम था कह ही रहे हैं भगवान जो सूर्यदेव को वही तो मैं दे रहा हूँ तो मतलब ये तो डिफरेंट है ना वो तो युद्ध के लिए उनको दिया था हाँ वो बात है प्रिंसिपल सेम थे प्रिंसिपल सेम थे बट उन प्रिंसिपल्स को भगवान ने इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कह रहे युद्ध करो बेसिकली तो उस प्रिंसिपल्स को यूज किया था अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए अब सूर्यदेव को दे रहे होंगे तो वहां तो युद्ध की बात नहीं हो रही होगी है नहीं जैसे श्लोक आ रहा है गीता में कि अर्जुन युद्ध करो उठो चिंता मत करो कौन मर रहा है कौन मार रहा है वो बात अलग है वहां पे श्लोक नहीं होगा जो सूर्यदेव को दिया होगा तो वहां पे श्लोक अलग होंगे बट प्रिंसिपल सेम काम करेंगे यही जैसे मान लीजिए आप गाड़ी बनाओ तो चाहे फोर्ड हो चाहे मारुति हो चाहे कुछ हो वो अंदर इंजन तो वही होगा प्रिंसिपल तो वही काम करेगा टू इंजन या फोर इंजन कंबशन इंजन वही होता है ना अंदर तो और टायर भी वही होंगे तो देवलोक में भी भगवान ने गीता बोली है मगर वहां पे थोड़े से अलग श्लोक भी होंगे यहां पे थोड़े अलग श्लोक हैं इनफैक्ट हमें पता भी है श्रीमद् भागवतम के कितने श्लोक हैं 18,000 श्लोक हैं हमारे पास और उनके पास कितने श्लोक हैं देवताओं के पास भागवतम के 1,00,000 श्लोक है महाभारत के कितने श्लोक हैं हमारे पास 1,00,000 उनके पास कितने 1,00,000 अब क्या कर रहे हैं वो क्योंकि भाई देवताओं के लिए और भी तो एडवाइस देनी पड़ेगी कि अगर असुर अटैक करेंगे तो क्या करोगे यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है
या देवताओं के लिए और भी एडवाइजेज है ना, सूर्यदेव के लिए भी, सूर्यदेव के लिए एक एडवाइस होगी गीता में कि तुम्हारे लिए कभी छुट्टी है ही नहीं, तुम जो नो हॉलीडे युक्ताहार विहारस्य, ये श्लोक ही नहीं होगा शायद वहां पर गीता में कि अपना काम और अपनी हॉलीडेज को बैलेंस करके रखो, सूर्यदेव के लिए कोई हॉलीडे नहीं है। यहाँ पर थोड़ा अलग श्लोक है, असुरों को असुरों से कैसे बचना है, तो 16 चैप्टर है पूरा, 16वें अध्याय में भगवान बता रहे दैवी तथा असुरी गुण। देवता लोक में क्यों बताना है दैवी तथा असुरी गुण, सबके पास दैवी गुण ही है। सो डिफरेंस है, मैसेज एक ही है, सरेंडर अनटू मी। सब इसलिए कि भक्ति करो भगवान की, समझो जन्म मृत्यु से मुक्ति पा वापस चले जाओ, बट तो इसलिए डिफरेंस है डिफरेंस, समझ गए नहीं समझ गए। और वो भी देवलोक की गीता पढ़ लोगे ना तो पागल हो जाओगे, वो हमारे पास वो इतनी इंटेलिजेंस भी नहीं है कि हम उसको हम डाइजेस्ट कर लें। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कुछ ज्ञान मनुष्य योनि से छुपा के रखा जाता है हमेशा के लिए, वो रिवील नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कर देंगे तो मनुष्य समझ ही नहीं पाएगा, बल्कि उसका 100% उल्टा मतलब निकालेगा, गलत मतलब निकलेगा, वो अधिकारी नहीं है वो उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मधुबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देवताओं के पास एक श्लोक है जिसमें ये कहा है कि आप जैसे मान लीजिए भी, अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे देवता भी हैं और देवियाँ भी हैं, अप्सराएं भी हैं, मैरिड लोग भी हैं, नहीं मैरिड है नहीं है, तो वहाँ पे एक श्लोक है कि आप मैरिज में भी आप सेक्स करते हुए भी भगवान का स्मरण कर सकते हो, इट्स पॉसिबल। इंद्र के पास उनकी वाइफ है, सब है, तो वो संभोग भी तो कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या वो भगवान को भूल जाते हैं? वो नहीं भूलते, तो उनके पास एक विद्या है कि वो उस वक्त भी भगवान को नहीं भूलेंगे। अब अगर वो श्लोक ह्यूमन सोसाइटी में दे दें तो भैया वही संभोग से समाधि हो जाएगा, आप भगवान का स्मरण कर सकते, वो प्रॉब्लम है वो। तो मधवा लिख रहे हैं कि वो ह्यूमन में कैपेसिटी नहीं है, वो देवता ही कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए करना, इस ह्यूमन शरीर में नहीं हो सकता, ह्यूमन माइंड से नहीं हो सकता, हम कैलिबर ही नहीं है वो। सो एग्जांपल दे रहे हैं, सो कुछ चीज़ें रिवील नहीं है हमें बताई नहीं, और अच्छा ही हमारे नहीं बताई हमारे लिए अच्छा ही इसलिए वहाँ से शनाश लोग यहाँ आते हैं, वो अभी मना है, स्पेस ट्रैवल मना है कलयुग में, तो बल्कि हम इतना ही समझ लें बहुत है, समझ गए नहीं समझ गए। सो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय।